का गाड़ी, ठीक है, वहाँ पे अंकल जी अभी अंदर घुसने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। Guys, once again, एक बार आज हम लोग का गांव का दूसरा दिन है, ठीक है, और हम लोग आज जा रहे हैं कहाँ पे, हबरुआ पहाड़ बोलते हैं ना उसको, ठीक है। वो ऑलमोस्ट बहुत ही अच्छा रांची का छोटा कश्मीर है। अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ वहाँ पे दिखाएंगे, मंदिर है और भी बहुत सारा यूनिक चीज़ जो कि हम लोग नहीं देखे हैं। रांची का फेमस जगह है, ठीक है। ऑलमोस्ट मेरे परिवार के पूरे लोग जा रहे हैं, जीजा जी जा रहे हैं, हम जा रहे हैं और सब कोई जा रहे हैं, तो इन्जॉय करेंगे अभी लाइव, तो चले बने रहें। तो ये रहा मेन रोड, ठीक है, और ये मेन रोड से एकदम टर्न होता है वो जहाँ हम लोग जा रहे हैं अभी मंदिर के लिए, ठीक है। और इस रोड का नाम शायद आई थिंक आरी रोड बोलते हैं, और यहाँ से करीबन दो ढाई से तीन किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो आप फिलहाल आगे अभी हम लोग मिलते हैं। गाइस, जैसा कि देख सकते हो इस टाइप का रास्ता है, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात कि आप जब भी कहीं पे आओ, मतलब यहाँ पे घूमने के लिए आओ, तो आप थोड़ा थोड़ा रास्ता साफ करते रहो, ताकि अगले बार आने वाले लोग के लिए थोड़ा सा मतलब कि सहूलियत हो सके और वो लोग को भी बोले साफ़ करने के लिए। तो इससे क्या होगा कि हमारा इन्वायरमेंट साफ़ होगा और साथ ही साथ एक छोटा सा हम लोग शुभ काम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, मैं अभी जा रहा हूँ पत्थर हटाने के लिए। अभी पहुंच चुके हैं, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ से जो है लास्ट एंडिंग पॉइंट है, अब इससे ज़्यादा गाड़ी नहीं जाएगा, ठीक है। पीछे से ये रहा रास्ता और आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए वो रहा पीछे जो आप कैमरा देख रहे हो, वहाँ पे मंदिर है, ठीक है। लास्ट एंडिंग पॉइंट यहीं पे, यहाँ से गाड़ी नहीं जाता है। तो आगे चलिए, अब हम लोग को पैदल जाना है। और ये सब परिवार, हम लोग सब साथ में, अब जीजा जी और भी नीरज के पापा और आंटी लोग, सब हम लोग पैदल जा रहे हैं, ठीक है। हम लोग पास थोड़ा सा और रास्ता बचा अभी हम लोग जो कि तय करने वाले हैं, तो चलिए आप। तो गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है, यहाँ ऊपर में। और यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हो पूरा पीछे का जो इन्वायरमेंट है, बहुत ही ज़्यादा मस्त व्यू है, ठीक है। मैं अभी आप लोगों को आगे दिखाऊंगा, आप ऊपर में पूजा हो रहा है वहाँ पे भी जल्दी से पहले जाते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा बात कि यहाँ पे एक गुफा है, ठीक है, जहाँ से लोग, जहाँ पहले कहा जाता था कि यहाँ से लोग पार होते थे, ठीक है, और करीबन पाँच पाँच दिन, दस दस दिन से भी ज़्यादा लग जाता था पूरा नीचे जाने में, ठीक है। और सब व्यवस्था है, ठीक है, अंदर में। तो ठीक है, आगे अभी हम लोग ऊपर में मिलते हैं, वहाँ पे दिखाएंगे, वहाँ पे पूजा वगैरह हो रहा, तो चलिए ऊपर से दिखाते हैं व्यू, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं ऊपर, ठीक है, और पूजा वगैरह सब कुछ हो गया है। अब अभी बाबा की जय, अबरुआ बाबा की जय। तो चलिए, मैं अभी आप लोगों को पूरा यहाँ का मतलब पूरा व्यू दिखाता हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा देखने में औसम है, ठीक है। और अभी मैं, हम लोग का जो गाड़ी खड़ा है वो भी यहाँ पर से दिख रहा है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो अभी ये बैक कैमरा लाइन, जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है, वो रहा हम लोगों का गाड़ी, ठीक है। वहाँ पर बाइक वगैरह लास्ट स्टॉपेज वहीं पर था, जो कि मैंने आप लोग अभी आप लोगों को बताया था, ठीक है। और ये रहा पूरा इन्वायरमेंट जो कि आप देख सकते हो, इधर में पूरा कुछ छोटा मोटा गाँव है। देन इधर से अगर आप देखते हो तो यहाँ से आगे वाला रोड जो है वहाँ पे, वो कौन सा नदी था, देवानंद है ना, हाँ जो भी है। और सामने में यहाँ पे गांव, और पूरा नीचे हम लोग सबसे पूरा टॉप फ्लोर पे आए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आगे। जो है पूजा वगैरह हो गया कंप्लीट, अब हम लोग जा रहे हैं घर के तरफ, ठीक है। डरावना रास्ता है गाइस, अब आप आते हो तो अच्छे से आना, आई होप अच्छे से आओगे, ठीक है। रास्ता मैं आप लोग अभी दिखाता हूँ, बहुत ही डरावना रास्ता है।
तो वैसे जैसा कि देख सकते हो इधर से लोग, गांव के लोग जनरली यहां से लेकर के जाते हैं लकड़ी अंदर, तीन तीन दो दो तीन तीन किलोमीटर अंदर में रास्ता है जहां से लोग यहां से लकड़ी लेकर के जाते हैं अपने घर में जलाने को, ठीक है। और वो रहा रास्ता भी हम लोग जा रहे हैं, आगे और भी बहुत सारा चीज़ मैं अभी आप लोग को दिखाऊँगा। रास्ता वगैरह था सब कंप्लीट हो गया, अब हम लोग जा रहे हैं नीचे में एक नदी है हटुआ पानी जिसको बोलते हैं, वो अभी देखने के लिए। अभी मैं दिखा रहा हूँ, मेरा दोस्त नीचे नीरज है। नीरज थोड़ा सा हाथ हिलाएगा विक्की भाई। हम लोग फाइनली पहुँच गए हैं, और जगह का बात करें गाइस तो इतना ज़्यादा डरावना है ना, ठीक है, पूरा पहाड़ी है। आप जब भी आना तो अकेले कभी मत आना, फैमिली और मेम्बर के साथ ही आना, और कोशिश करना बच्चा लोगों को नहीं लेकर के आने का, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डरावना एरिया। चलिए ठीक है, अभी आगे जा करके हम आप लोगों को दिखाते हैं। नानक सरन वहां पे, नानक हाथ क्लैप करेगा एक बार। गाइस फाइनली जैसा कि आप देख सकते हो बहुत ही मकसद के बाद हम लोग यहां पे पहुंचे हैं, ठीक है। करीबन 5 से 6 किलोमीटर ट्रेवल करके आए, ऊपर में यहां पे अंकल लोग देख रहे हैं अभी रिटर्न जा रहे हैं, ठीक है, बहुत ही ऊपर है। और यही रास्ता ये पानी देखने के लिए, जो कि इस यहाँ का सबसे बड़ा क्वालिटी ये है कि गाइस कि 12 महीना यहाँ पे पानी रहता, कभी भी पानी सूखता नहीं, और लोग यहाँ से पानी उठा करके लेकर के जाते हैं उतना दूर, 6 से 7 किलोमीटर ऊपर मंदिर है, ठीक है, वहाँ पे पूजा करने के लिए। और तो आगे और भी बहुत सारा चीज़ है जो कि मैंने अभी आप लोग को दिखाया, तो चलिए मिलते हैं आगे। तो गाइस जैसा कि फाइनली पूरा वीडियो हुआ कंप्लीट, अगर आप लोग यहां तक आए होंगे तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हुआ, ठीक है। और यहां का जो पूरा प्रॉपर डिटेल है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हो। अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है तो मुझे कमेंट्स करके बताएं। और ये जो चीज़ है वो आप लोग शायद जानते होंगे, अगर जो लोग जंगल में घूमते होंगे, ये जो पूरा चिपक जाता है, क्या बोलते हैं इसको, लटलटिया बोलते हैं, नहीं पता मेरे को इंग्लिश में क्या होता है, आप कमेंट्स करके बताना। और यहाँ पे ये इंस्टाग्राम का लोगो आपके सामने शो करेगा, वहाँ पर आप मेरे को फॉलो कर लेना। और सबसे बड़ा गाइस बात कि आप पहले मास्क को प्रॉपर तरीका से यूज करें, ठीक है, सैनिटाइजर यूज करें और डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। तो चलिए मिलते हैं वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।